स्केच बुक टोर सो उस वीडियो में मैंने बचपन से लेके कॉलेज तक के आपको सारे आर्ट वर्क दिखाए थे एंड इस पार्ट पे मैं सिर्फ अपने डिजाइन कॉलेज से रिलेटेड चीजें दिखाने वाली हूँ जो मैंने चार साल में सीखा करा किया इस चैनल को जब मैंने स्टार्ट किया था वन ऑफ मोटिवेशन वाज़ दिस कि मैं बाकी लोगों को जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं डिजाइनिंग के बारे में उनको थोड़ा एजुकेट कर सकूं, बस बता सकूं, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉन्टेड मुझे नहीं पता था किस टाइप के कोर्सेज होते, होते हैं क्या असाइनमेंट होते देर आर वेरी लेस पीपल जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं बिकॉज ये फील्ड ही बहुत अभी ग्रो कर रही है आई वुड से दैट मेरे कॉन्टेक्ट में तो कोई नहीं था जिसने कर रखी थी या कुछ आइडिया भी था सो so मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया था उस टाइम पे सो मैंने स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल आई रियली वॉन्टेड कि जो मेरा स्ट्रगल हुआ है कि मुझे कोई नहीं मिला था उस टाइम पे बताने के लिए कि वॉट शुड बी द डूज एंड डोंट्स एंड आगे जाके इस फील्ड में क्या है क्या नहीं मैं बस चाहती थी कि मेरे जैसे काफी लोग होंगे एंड मैं उनको किसी भी वे में हेल्प कर पाऊँ सो या आई एम सुपर एक्साइटेड एंड पम्डअप एक्साइटेड तो मैं डेफिनेटली होंगी ही क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है चार साल तक और मैं सारी मेहनत आप लोग को दिखाने वाली हूँ सो ये ड्यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन में आपको किसी भी वे में वीडियो हेल्प करेगी मुझे इतना अच्छा लगेगा आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर डिजाइन कॉलेजेस के लिए अपेयर कर रहे हो प्लीज शेयर इट विद दम एज वेल सो येस विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट दीडियो ओके गाइज सो आई स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग एंड मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी क्योंकि इतनी स्टोरीज हैं एक्सपीरियंसिस हैं शेयर करने के लिए आई एम नॉट ओनली श्योर क्या मैं एक वीडियो में सब कुछ शेयर कर पाऊंगी कि नहीं बट डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट बाई द वे मैंने एम आई टी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइनिंग करी हुई है एंड मैं आपको आई थिंक मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि हाउ डिड आई लैंड अप इन एम आई टी एंड मैंने कहाँ कहाँ अपेयर किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऑल ऑफ दैट घिचपिच खिचड़ी जो हम सबके साथ होती है ट्वेल्थ क्लास के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिकॉज दैट इज हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंट स्टोरी एंड आई एम श्योर गोन रिलेट विद इट योर अब मैं एम की जर्नी स्टार्ट करूंगी सेवन ईयर्स पहले जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का तो हमें बोल दिया गया था कि हमें स्केल्स एंड रबर्स इरेजर्स हटा देने हैं यूज ही नहीं करने हैं खरीदने ही नहीं है लाइक like, कैसे पॉसिबल है ये चीज़ एंड देन दे स्टार्टेड शोइंग हमारे सीनियर्स का काम एंड वो काम कुछ ज्यादा ही अमेजिंग था पता चला कि उन सारे स्केचेस किसी ने भी इरेजर या स्केल का यूज नहीं किया है एंड माई रिएक्शन वॉज दिस इज इम्पॉसिबल एंड देन हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई द फर्स्ट असाइनमेंट व्हिच वाज गिवन टू अस वाज स्ट्रेट लाइंस को प्रैक्टिस करना हमने हंड्रेड्स ऑफ शीट में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस बना बना के प्रैक्टिस करी एंड पर्सपेक्टिव में भी हमें बोला गया था कि विदाउट स्केल आपको पर्सपेक्टिव बनाना होगा मुझे ऐसा लगा ये बोल भी कैसे सकते हैं चीज की पर्सपेक्टिव विदाउट स्केल इज लाइक इम्पॉसिबल और नहीं मैंने कभी इस चीज के बारे में सुना था अपनी लाइफ में दिज आर सम ऑफ माई परस्पेक्टिव स्केचिज़ एज यू कैन सी देर आर वेरी लाइट लाइन ये सारा विदाउट स्केल विदाउट पेंसिल डायरेक्टली स्टेडलर्स कलर पेंसिल्स को यूज़ करके बनाया गया मैं हर चीज़ पर कलर्स डाल देती थी बिकॉज मुझे स्टार्टिंग से ही कलर्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है सो दिस इज़ फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट दिस वॉज वेरी बेसिक देर आर मल्टीपल परस्पेक्टिव स्केचिज़स वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट बहुत सारे होते हैं जब ये कोर्स खत्म हुआ उसके बाद दूसरा कोर्स स्टार्ट हुआ विच वॉज आइसोमेट्री सो so, आइसोमेट्री से तो मुझे प्यार हो गया सो so, आइसोमेट्रिक स्केचेस में क्या होता है सारी चीजें एक दूसरे से पैरल होती है कोई भी किसी एक पॉइंट पे मर्ज नहीं करती है सो यस दीज आर फ्यू ऑफ माई आइसोमेट्रिक स्केचेज एंड सच में बता रही बताइ ये बहुत कम है असलियत में जितने भी आइसोमेट्रिक स्केचेस का बंडल है वो मेरे पास अभी है भी नहीं बट येस यू गेट एन आइडिया ऑफ वॉट काइंड ऑफ वर्क आई यूज टू डू सो यस दिस इज़ ऑल अबाउट इट एंड आइसोमेट्री में मैंने कुछ इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट किए थे ये मैंने अपनी जूरी के लिए बनाया था आप लोग को जूरी नहीं पता होगा राइट लेट मी टेल यू वन थिंग डिजाइन कॉलेज में एक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी विचव सो so मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ जिसमें मैं लिटरली रखती थी चीज़ों को केमिस्ट्री में फिजिक्स में बट डिज़ाइन कॉलेज में देरवर नो बुक्स देर वर जस्ट असाइनमेंट्स देरवर नो बुक्स देर नो एग्जाम्स हमारी बस ज्यूरी होती थी तो so, ज्यूरी में क्या होता था हमने जितना भी सेमेस्टर में जो भी असाइनमेंट्स किए हुए हैं जो भी काम किए हुए हैं वो हमें लास्ट में जाके सेमेस्टर के एंड पे अपने टीचर्स को दिखाना होता था तो जूरी चलती थी 45 मिनट से लेकर डेढ़ डेढ़ घंटे तक पैनल में चार से पांच टीचर्स होते थे जो इवेल्युएट करते थे आपके काम को दे कैन आस्क यू एनी थिंग सो बेसिकली इट वॉज मोर लाइक आप जो बना रहे हो आपको पता होना चाहिए उसकी हिस्ट्री उसकी फिजिक्स उसका फ्यूचर एवरी थिंग सो यस इस हिसाब से मुझे डिजाइन एजुकेशन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगी सो येस दीज आर समर्स विच पार्ट ऑफ आर असाइनमेंट सो ये पेपर को यूज करके बनाया गया है अफकोर्स पेपर सारे स्ट्रक्चर नहीं है अभी दिस इज वन एग्जाम्पल सो फाउंडेशन वॉज ऑल अबाउट गेटिंग कम्फर्टेबल विद डिफरेंट मटीरियल डन वर्क विद पेपर मैशी क्ले पीओपी to make a mask using paper mache and this is what i made plus i have done few more explorations using paper mache इसके बाद मैंने उसको ऊपर से पेंट कर दिया है i think this is looking beautiful मुझे एकदम फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कॉलेज टाइम के पैरेलली गाइस as i said हमें असाइनमेंट्स मिलते थे वो मैं कंप्लीट करती थी बट साथ ही में मैं कुछ अपना एक्स्ट्रा भी काम करती थी उसी असाइनमेंट से रिलेटेड नॉट टू इंप्रेस टीचर्स बट मुझे बहुत मजा आता था सो ये नटेला का एक कंटेनर था जिसके अंदर मैंने एक पैलेस टाइप का बनाया दिस इज़ ऑल यूजिंग पेपर गाइज एंड पेपर का स्ट्रक्चर बना के मैंने इसके अंदर रखा था एज यू कैन सी मेरे को हर असाइनमेंट्स तो मिलते ही थे मैं उनको कंप्लीट करने के बाद अपना अलग से एक्सप्लोरेशन करती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी था एंड मेरे पास जब एक्स्ट्रा टाइम बचता था तो मैं वेस्ट नहीं करती थी मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करती थी मुझे इसी में ही मजा आता था आई यूज टू वॉच Big boss like anything. बिग बॉस लाइक एनी थिंग मतलब मैं इतनी क्रेजी फैन थी उस टाइम पे बिग बॉस की मैं अपना काम बस नीचे टी वी रूम पे लेके जाती थी एंड आई यूज टू जस्ट यू नो वर्क वॉचिंग बिग बॉस सो दीज आर समचेज जो मैंने बिग बॉस देख देख के बनाया एंड आई थिंक दीज आर लुकिंग ब्यूटिफुलस दिस वॉज माई फर्स्ट असाइनमेंट रिलेटेड टू पी ओ पी जिसका थीम है म्यूजिक एंड ये क्यूब था काविंग करी हुई है जिसमें सो एज आ सेट असाइनमेंट खत्म होने के बाद मैं अपना एक्सप्लोरेशन करती थी सो so I did some extra work and this is also done using POP. But इसको clear करते हैं and then मैं आपको second slot दिखाती हूँ Okay guys, so once my first year was done, I was literally very confused क्योंकि मेरे grades बहुत ज्यादा अच्छे आए थे आप मेरे वीडियो से देख ही सकते हो कि मुझे मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग भी पसंद थी मुझे एनिमेशन भी पसंद था मुझे रिटेल एंड एग्जीबिशन डिजाइन भी पसंद था मुझे प्रोडक्ट डिजाइन भी पसंद था आई वॉज सो डैम कि किस में जाऊँ एंड मैं जिस टीचर के पास जाऊँ वो बोले हाँ दिस इज गुड फॉर यू यू कैन गो एड विध दिस डैडी को भी था कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग बहुत अच्छा कोर्स हैड विद डैट एंड एवरी थिंग सो आई वॉज ऑल्सो लाइक हाँ मुझे इतना ज़्यादा डिजिटल काम पसंद नहीं है प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज माय थिंग मे को मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी थ्री चीजों पे काम करने को मिलेगा मुझे वर्कशॉप मिलेगी वॉट एल्स यू यू लाइफ सो येस देन मेरी प्रोडक्ट डिजाइन के साथ जर्नी स्टार्ट हुई एंड दीज आर सम ऑफ माई प्रोडक्ट स्केचेस विच आई डिड ड्यूरिंग दैट टाइम सो येस इसको अचीव करने में ऑफकोर्स बहुत ज्यादा हार्डवर्क पेशेंस एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स लगे हैं एंड ये yes, आप जो भी स्केचेस अभी देख रहे हो ये टेन परसेंट भी नहीं है जितने मैंने रियलिटी में कॉलेज टाइम पे स्केचेस बनाए थे बट या एनी वे मूविंग ऑन है so, इसमें हमें एक क्यूब दे दिया गया था थर्मोकॉल का जिसमें से ये शेप मैंने बनाई है ये दो बेसिकली मेजर एलिमेंट्स को यूज करके बनाया गया है वन इज सिलेंडर सेकेंड इज कॉन दिस वॉज वन एंड सेकेंड फॉर्म वॉज दिस आई एप्सोल्यूटली लव इट एंड इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा है सो येस इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग बस जो मन में आया वो बना दिया दैट इज नॉट ट्रू इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन लगे एंड देन उनमें से दो फॉर्म्स को फाइनली सेलेक्ट किया गया सो यस सारे तो ऑफकोर्स मेरे पास एक्सप्लोरेशन अभी नहीं है सो बेसिकली किसी भी चीज को फाइनली बनाने से पहले हम उसके हर एंगल से उसको ड्रॉ करते थे सो दैट वी गेट एन आइडिया एंड हम पहले ही विजुअलाइज ते थे कि वो बनने के बाद कैसा लगेगा सो यस पेजेस ही हैं मतलब ये सिर्फ फोर्टी फिफ्टी पेजेस होंगे बट ट्रस्ट मी हंड्रेड टू हंड्रेड प्लस शीट्स होती थी जिसपे हम सिर्फ फॉर्म के वेरिएशंस करते थे मूविंग ऑन यू विल बी शॉक्ड कि मैंने काफी चीजें ऐसी बनाई हुई हैं बिच आई एम श्योर आप लोगों को बिलीव ही नहीं होगा कि वो हैंडमेड है बिकॉज अगर मैं आप लोगों की प्लेस में होती मुझे भी यही लगता बट येस आई एल अटैच फ्यू क्लिप्स ओवर योर सो दैट यू गेट एन आइडिया कि ये सारी चीजें हैंडमेड ही हैं so one of that pieces is this so um you guys won't believe but this bird ye maine ek rectangular mdf ke piece se banayi hai I was in second year, I guess, when I made this. मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जब मैं इसको घर लेकर आई थी I was so happy, मैं इतनी excited थी क्योंकि ये मेरे किसी assignment का part नहीं था इट वॉज जस्ट लाइक मेरा मन था एक्सप्लोर करने का एंड वर्कशॉप तो हमारे पास फ्री होती थी मटीरियल भी हम यूज कर ही सकते थे आई यूज टू क्रिएट रैंडम थिंग्स सो मम्मा ने जब ही शी ये देखा शूज़ लाइक वाह य तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्या तूने बस एक ही बनाया है मैंने बोला मम्मा एक ही मतलब देन शी वोज लाइक नहीं अगर दो होते तो पैर अच्छा लगता है मम्मा आपको पता है इसमें कितनी मेहनत लगी है देन शी वोज लाइक अरे रहे हाँ मैं तो बस बोल रही थी एंड ऑल ऑफ देट ऑफकोर्स देर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट जिनके बारे में आई डोंट थिंक सो मैं भी बात भी कर पाऊंगी बिकॉज वो थोड़े ज़्यादा रिसर्च बेस्ड थे सो येस डिज़ाइनिंग इज नॉट ओनली अबाउट तुमने कुछ अच्छा सा बना दिया दिखने में अच्छा लग रहा है यूर गुड टू गो नो डिज़ाइनिंग एंड आर्ट में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है इज़ आर्ट इज़ जो मुझे अच्छा लगता है एक आर्टिस्ट वो चीज़ बनाता है राइट right? बट एक डिज़ाइनर कभी भी अपने लिए नहीं बनाता डिज़ाइनर हमेशा बाकी लोगों के लिए बनाता है यूजर्स के लिए बनाता है सो यस, दीज आर सम टॉर्च के फॉर्म डिज़ाइन विच आई डिड एंड ये भी फॉर्म को यूज़ करके है दोज ऑफ यू नो फॉर्म मतलब होता है थर्मोकॉल सो so ये थोड़ा हाई डेंसिटी का थर्मोकॉल है सो दीज आर द फॉर्म्स विच आई एक्सप्लोर्ड एंड अल्टीमेटली दिस इज द टॉर्च विच आई मेड यूजिंग एम डी एफ एम डी एफ मतलब वुस से मैंने वुड को घिस घिस फॉर्म बनाया एंड दिस वॉज द फाइनल आउटकम सो यस यहाँ पे माई इंस्पिशन वॉज लीव उसी से इंस्पायर होके मैंने ये डिजाइन किया एंड नाउ कम्स माई अनदर प्रोजेक्ट आई आम श्योर इस को देख के तो यू विल दिस इज इम्पॉसिबल शिवांगी ये क्या दिखा रही हो तुम बट लेट मी टेल यू बिकॉज अब मैं खुद देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं बना सकती टाइम है ना ही पेशेंस है बनी हुई है एंड ये मैंने बनाई है सो ये सिंगल पीस है एम डी एफ का जिसके मैंने वन इज टू वन सेम मेजरमेंट्स लेके उसको कट किया एंड देन उसको फाइलर्स वगैरह से फाइल किया शेप दी एंड ऑल ऑफ देट तो मैंने वन एस टू वन लिया था एंड मैंने थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ ली एज़ यूजल मैं आपको चैलेंज करती रहती हूँ आई डिड नॉट नो कि मैं इसे बना पाऊँगी कि नहीं बट आई वॉज लाइक यार एक ही बार तो बनाना है यू नो जस्ट लेट जस्ट ट्राई इट आउ आई विश उस टाइम पर मेरे पास अच्छा क्वालिटी का फ़ोन होता या उस टाइम पर मेरे को पता होता मैं यूट्यूब चैनल बनाने वाली हूँ तो मैं डेफिनेटली और भी ज़्यादा अच्छे से डॉक्यूमेंट करती बट येस yes, अभी के लिए मेरे पास यही इमेजेस हैं एंड यस दिस टुक ऑलमोस्ट सिक्स guys. गाइज ऑफकोर्स मैं छः महीने तक सिर्फ इसी को ही नहीं बना रही थी मैं और भी चीजें कर रही थी बट वेन एवर आई यूज टू गेट टाइम आई यूज टू वर्क ऑन दिस मेरे पास डेफिनेटली उतना पेशेंस नहीं है कि मैं इसे वापस बना पाऊँ मुझे पता है मैंने इसमें कितनी मेहनत करी है एंड आई स्टिल रिमेंबर वो टाइम जब मैंने जूरी में प्रेजेंट किया था सो व्हाट आई डिड वाज़ मैंने टेबल पे रियल ड्रिल मशीन रख दी थी एंड उसी के साइड में अपना प्रोटोटाइप रखा था जो प्रोफेसर्स थे देवर लिटरली टचिंग इट अगैन एंड अगैन एंड वर लाइक हाउ इज़ दिस पॉसिबल आपने एग्जैक्टली सेम कर्व्स कैसे दिए हैं ऑल्सो गाइज आई जस्ट मतलब मैं इतनी ज़्यादा फ्लो में जाती जा रही हूँ कि मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया आप लोग सोच रहे हो गे कि मैं तो बस हाथ का ही काम कर रही हूँ एंड इट इज़ ऑल यू नो स्किल बेस्ड बट नहीं देर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच यर इंट्रोड्यूस्ड टू अस ड्यूरिंग दिस टाइम एंड हम थ्री डी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके थ्री डी प्रोडक्ट्स बनाते थे मैंने काफ़ी टू डी सॉफ्टवेयर्स भी सीखे बिकॉज मुझे ग्राफिक्स में भी इंटरेस्ट था एंड येस दीज आर फ्यू ऑफ दोपल्स जहाँ पे मैंने इलास्ट्रेशन बनाई है इंटरेस्ट था मेको इलास्ट्रेशन बनाने में बड़ा मजा आता था एंड ह्यूर प्रोडक्ट स्केचेस उसी के साथ साथ आई हेड डन फ्यू मोर प्रोजेक्ट विच व्यूर रिलेटेड टू फर्नीचर डिजाइन बट ऑफकोर्स मेरे पास वो चीजें अभी अवेलेबल नहीं है बट आई एम ग्लेड की मैंने उस टाइम पे थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट कर लिया था तो एज यू कैन सी मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें एक्सप्लोर करी है अपने कॉलेज टाइम पे तो कभी भी अपने आप को एज अ डिजाइन और एज अ कोई भी पर्सन मैं तो बोलूंगी रिस्ट्रिक्ट मत करना मैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ जो इस बैकग्राउंड से नहीं है कि फोटोशॉप इज समिंग यू शुड नो टर्मिंग बैक टू दिस वीडियो बहुत ज्यादा ज्ञान होता जा रहा है आई थिंक बट ये कोई ज्ञान नहीं है गाइस इट इज जस्ट माई एक्सपीरियंस जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी बहुत ज्यादा टाइम से बिकॉज मेरे साथ ये शेयर करने वाला कोई नहीं था एंड उस टाइम पे मुझे लॉस्ड फील होता था कि क्या होगा या क्या नहीं होगा बट आई एम ग्लैड कि आज मैं इस पोजिशन पे हूँ कि मैं इतने सारे लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं इस अपॉर्चुनिटी का हंड्रेड परसेंट तरीके से यूज़ करूँगी एंड आई जस्ट होप ये किसी भी वे में वीडियो आप लोग को हेल्प करे पैरली जो कोर्सेज में असाइनमेंट्स में हो रहा था उसके साथ साथ आई ट्राइड अर्बन स्केचिंग एंड यू कैन जस्ट हैव अ लोक ये सब मैं सीरीज देखते हुए या मूवी देखते हुए करती थी जब भी फ्री टाइम होता था एडिशनली वी हैड फ्यू कोर्सेज रिलेटेड टू पैकेजिंग डिजाइन फ्यू नहीं एक दो कोर्सेज ही थे सो येस मैंने प्रोडक्ट डिजाइनिंग चूज़ किया एंड आई स्टिल डू नॉट रिग्रेट एट सो या बिकॉज मैं अभी भी वही करी हूँ मैं ग्राफिक्स का भी काम करती हूँ मैं यू एक्स यू आई करी हूँ आएम डोइंग लिटरली एम एवरी थिंग राइट नाउ सो आई एम नॉट रिग्रेटिंग एट ऑल एंड एक बार बताती हूँ आप किसी भी चीज़ के डिजाइनर हो आपको आनी हर चीज थोड़ी थोड़ी चाहिए दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट फॉर यू सो नेवर स्टॉप लर्निंग ये मत सोचो अरे ये मेरा काम थोड़े ना ये तो वो करेगा नो यू शुड नो एवरी थिंग बिकॉज इट इज ऑल इंटर रिलेटेड एंड येस देवर अलॉट ऑफ कोर्सेज विच व रिलेटेड टू रिसर्च फॉर्म डिजाइन फ्रोटो टाइपिंग डिजाइन फॉर सोशल नीड्स डिजिटल स्केचेस Even photography and what not. So yes, design thinking and ऐसे सारे जो भी आजकल हम fancy terms use करते हैं they were all part of our design process. And अभी भी मैंने काफ़ी चीजें cover कर ली हैं but I'm thousand percent sure मैंने अभी भी thousand चीज़ें ऐसी हैं जो cover नहीं करी है

दैट इज इट अबाउट वीडियो एंड आई जस्ट होप मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया तो दे ही दिया होगा वट काइंड ऑफ वर्क वी डू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस पर्टिक्युलर टॉपिक जस्ट कॉमेंट ऑन बिलो मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगी ऑल्सो गाइज में एक चीज मतलब मैं इतनी ज्यादा बात करने लग जाती हूँ कि मैं मेन चीज तो भूल ही जाती हूँ बिच ऑज इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फरगेट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट ऑन बिलो टेक केयर स्टे सेफ बी जस्ट होप किसी भी वे में वीडियो आपको हेल्प करियो थैंक यू सो मच